इस ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, आज भी मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा सवाल का विषय बना है। अक्सर मनुष्य इस सवालों का जवाब विज्ञान में नहीं बल्कि अपने अपने धार्मिक ग्रंथों में ढूंढते हैं। सभी धर्मों में बताया जाता है कि इस सृष्टि की रचना उनके ईश्वर ने किया। ईश्वर ने चाहा और इस सृष्टि का निर्माण हो गया। ईश्वर ने कहा इस सृष्टि का निर्माण हो जाओ और इस सृष्टि की रचना हो गई। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह झूठी गप्पेवादी से ज्यादा और कुछ नहीं है। पहले यह मान लेना जायज था कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने ही किया है, क्योंकि उस वक्त विज्ञान इतना आगे नहीं था। लेकिन अब आंख बंद करके यह मान लेना कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने ही किया है, यह सरासर गलत है, क्योंकि आज विज्ञान इतना तरक्की कर लिया है कि यूं ही हम पता लगा सकते हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई होगी। तो चलिए आपको हम वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, इनको समझाने से पहले आपको यह समझा चुके हैं कि पृथ्वी के जैसे 8 अन्य ग्रह और सूर्य को मिलाकर हमारा सौर मंडल बना है, और ऐसे ही करोड़ों सूर्य और सौर मंडल को मिलाकर हमारा आकाश गंगा बना है, और ऐसे ही अनगिनत आकाश गंगा को मिलाकर हमारा ब्रह्मांड बना है, और ऐसे ही अनगिनत ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। और इस ब्रह्मांड में ना ही कहीं स्वर्गलोक है और ना ही नरकलोक, ना ही ईश्वरीय लोक है और ना ही जन्नत, जो कि सभी धर्मों में बताया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहला वीडियो में बताया कि बहुत सारे आकाशगंगा को मिलाकर हमारा ब्रह्मांड बना है, और आकाशगंगा किस प्रकार से सभी जगह समान रूप से फैला हुआ है। अब अगर सभी आकाशगंगा पर गौर करें तो सभी आकाशगंगा एक दूसरे आकाशगंगा से तेजी से दूर जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो समय के साथ ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। अगर समय में हजारों वर्ष आगे जाएं तो आज की तुलना में ब्रह्मांड और भी ज्यादा फैल चुका होगा। इसी प्रकार अब अगर हम 15 अरब वर्ष समय में पीछे जाएं तो सभी आकाशगंगाएं बहुत ही पास पास थे, इतने पास पास थे कि सभी आकाशगंगाएं एक ही बिंदु में समाया हुआ था, और वह बिंदु बहुत ही छोटा था, और उसी छोटे से बिंदु में आकाशगंगाएं और सभी आकाशगंगाएं के सूर्य, तारा, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और जहां पर हम लोग रहते हैं, हमारी पृथ्वी, यहां तक कि हम और आप भी, पूरे ब्रह्मांड इसी छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। उस वक्त ना दिन रात होती थी, ना ही इस ब्रह्मांड में किसी वस्तु का अस्तित्व था। यहां तक कि उस वक्त समय भी रुका हुआ था, यानी टाइम का कोई मायने नहीं था। उस वक्त सब कुछ सुना सुना था। किसी कारणवश इस छोटे से बिंदु में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, इसी के साथ हमारा ब्रह्मांड अचानक तेजी से फैलने लगता है और हमारा ब्रह्मांड का जन्म हो जाता है। महाविस्फोट के सेकंड के हजारवें हिस्से में फोटोन कणों के रूप में अत्यधिक ऊर्जा का अस्तित्व था। इसी समय क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन जैसे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ। अत्यधिक ऊर्जा के माध्य टकराव के कारण ज्यादा मात्रा में निर्माण हुआ। इस समय कण और उसके प्रतिकण दोनों का निर्माण हुआ। इसमें से कुछ कण एक कण और उनके प्रतिकण दूसरे से टकराकर खत्म भी हो रहे थे। इस समय ब्रह्मांड का आकार एक संतरे के आकार का था। सेकंड के 100वां हिस्से तक एंटी क्वार्क क्वार्क से टकराकर पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे। इस टकराव से फोटोन कण का निर्माण हो रहा था। साथ में इसी समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। एक सेकंड होते होते तापमान घटकर 10 अरब डिग्री सेल्सियस रह गया। ब्रह्मांड ने अपना आकार लेना शुरू किया। उस समय ब्रह्मांड में ज्यादातर फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और उनके प्रतिकणों के साथ कुछ मात्रा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
एक दूसरे के साथ मिलकर तत्वों का न्यूक्लियस बनाना शुरू किया, जिसे आज हम हाइड्रोजन, हीलियम और ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। जब महाविस्फोट के बाद 3 मिनट बीत चुके थे, तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। एलिमेंट और कॉस्मिक रेडिएशन का भी निर्माण हो चुका था। कॉस्मिक रेडिएशन आज भी मौजूद है, इसे हम महसूस भी कर सकते हैं। ब्रह्मांड के जन्म से लाखों वर्ष के बाद विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड अभी भी आज के ब्रह्मांड से मेल नहीं खाता था। एलिमेंट और रेडिएशन एक दूसरे से अलग होना शुरू हो चुके थे। इसी समय इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ मिलकर परमाणु का निर्माण कर रहे थे। सभी पदार्थ गर्म गैस के बादल के रूप में थे। परमाणु आपस में मिलकर अणु बना रहे थे। ब्रह्मांड के जन्म से 10 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड का एक निश्चित आकार बनना शुरू हो गया और सभी आकाशगंगा का निर्माण होने लगा। सभी गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे और ग्रहों का निर्माण करने लगा। तारे हाइड्रोजन जलाकर भारी तत्वों का निर्माण कर रहे थे। उसी समय हमारे सौरमंडल का भी जन्म होने लगा था। सबसे पहले सूर्य अपना आकार लेना शुरू किया और सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी शुरू हो गया। सूर्य के चारों ओर गैस डिस्क के रूप में चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। गैस डिस्क गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर छोटे छोटे पिंड का निर्माण करने लगा और यही छोटे छोटे पिंड आपस में जुड़कर ग्रहों का निर्माण करने लगा और उसी ग्रह के निर्माण में जन्म लिया हमारी पृथ्वी, जिन पर आज हम लोग रहते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं थी। तब पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। पृथ्वी की सतह गर्म लावा के रूप में थी। समय के साथ पृथ्वी में काफी कुछ बदलाव हुआ। उसी बदलाव में पृथ्वी से एक बहुत बड़ा पिंड आ टकराया और उस टकराव से पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का मलबा फैल गया। फिर वह मलबा एक रिंग का रूप ले लिया। उसी समय पृथ्वी पर उल्का पिंड का बारिश भी हो रही थी। बाद में जाकर पृथ्वी का रिंग एक गोला का रूप ले लिया, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। उल्का पिंड के साथ बहुत सारे खनिज आया था, साथ में पानी भी आया, जो पानी फिर जलवाष्प के रूप में बादल का निर्माण कर लिया। वही बादल हजारों वर्षों तक लगातार बरसते रहे। तब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगा। उसके बाद पृथ्वी ठंडा होकर पानी से भर गया था और पृथ्वी ठंडा होकर जीवन के अनुकूल हो गया था और अब होने वाली थी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। पर कैसे और क्यों, इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि इसी वीडियो के अंत में स्क्रीन पर शो कर देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए। और सदियों से फैलाए गए क्रूति और अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ तर्क स्रोत बातों को आपके सामने लाने के लिए खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का नजरिया बदल देगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।